और सीधे लेकर चलते हैं आपको पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पिंड में भी कईयों को सरकारी नौकरी मिली होगी, उनसे पूछ लेना। पहली बार अभी हो रहा है कि किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते, बिना रिश्वत दिए बिना सिफारिश के बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही है। इसके पहले अकालियों की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, उनके टाइम में हर एक सरकार में पैसे देने पड़ते थे, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती थी, सिफारिश करनी पड़ती थी, कभी मंत्री की सिफारिश कभी इसकी सिफारिश, अब किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ती। और कई बच्चों को कई नौकरियां हमने पक्की कर दी। पहले सारे बच्चे टंकी पे चढ़े रहते थे जब भी मैं पंजाब आता था, अब आपको टंकी पे चढ़े हुए बच्चे नहीं मिलेंगे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कई लोगों को पक्का कर दिया, कईयों को भी पक्का करना बाकी है, वो भी कर रहे हैं। ये आने वाला चुनाव दो रंधावा के बीच का चुनाव है, एक ये ईमानदार रंधावा है और एक उनका बेईमान रंधावा है। आपको चुनना है कि आप ईमानदार रंधावा के साथ हो कि बेईमान रंधावा के साथ हो। बेईमान रंधावा आपके ऊपर पर्चे करता है, झूठे पर्चे करता है, गुंडागर्दी करता है, वो केवल अपने परिवार की सोचता है, कभी अपनी बीवी को खड़ा करता है, कभी अपने बेटे को खड़ा करता है, वो केवल अपने परिवार की सोचता है। ये ईमानदार रंधावा गुरदीप सिंह रंधावा ये पूरे डेरा बाबा नानक के लोगों को, 3 लाख लोगों को अपना परिवार मानता है। इसको वोट दोगे ये आपके लिए काम करेगा, बेईमान रंधावा को वोट दोगे वो अपने परिवार के लिए काम करेगा। वो गुंडागर्दी करता है, झूठे पर्चे करता है आप लोगों के ऊपर। इस बार ईमानदार रंधावा को, गुरदीप रंधावा को वोट देके देखो, जितने आपके मसले हैं सारे मसले समाधान करेंगे। मैं इनके साथ बात कर रहा था, इन्होंने मेरे को कई सारे मसले लिखवाए हैं यहाँ के, वो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देके जा रहा हूं आज। आम आदमी पार्टी का मुखिया हूं, आम आदमी पार्टी के मुखिया के नाते आप लोगों को गारंटी देके जा रहा हूं, जितने मसले आप गुरदीप को बताओगे, गुरदीप मेरे पास लेके आएगा, भगवंत सिंह मान के पास लेके आएगा, एक एक मसला आप लोगों का समाधान करेंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और एक चीज याद रखना, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी पार्टी का एमएलए आपने चुन लिया तो वो तो लड़ेगा बस 5 साल, बचे हुए 2.5 साल वो लड़ेगा, काम तो करवा नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो हमारी है। हमारे एमएलए को चुनोगे ये आपके लिए काम करेगा, ये हमारे साथ मिलके काम करेगा, आपके लिए सरकार से फंड लेके आएगा, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। उनके एमएलए को चुनोगे वो केवल 2.5 साल लड़ेगा, लड़ने के सिवा तो वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो हमारी है। जिसकी सरकार हो उसी का एमएलए चुनो ताकि मिलके दोनों काम कर सकें। मुझे बताया गया यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए बायोगैस का प्लांट लगाएंगे, शुगर मिल लगाएंगे ताकि आपके बच्चों को नौकरी मिल सके, यहाँ की आर्थिक तरक्की हो सके। यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर की वजह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टूरिज्म खोला जा सकता है, टूरिज्म की संभावनाएं हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, बात करेंगे हिमाचल में समोसे पर।